कैमरा लगा रखा सामने तेरे खातर ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हमारे साथ है सिमरन। सिमरन का मेरा कॉन्टैक्ट है कि मेरी दोस्त है, उसकी दोस्त है सिमरन। तो सिमरन एक कंपनी में काम करती है, तो सिमरन को कुछ प्रॉब्लम है। तो जो मेरी दोस्त है वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, जो सिमरन ने सिमरन का और हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था जिस वजह से। तो मुझे तो सिमरन की बात का पता है, आप भी सिमरन से पूछ लीजिए कि आप बताइए सिमरन जी। हेलो गाइस, माय नेम इज़ सिमरन और मैं एक कंपनी में काम करती हूँ और मैं कंपनी की HR हूँ। तो वहाँ पे अभी कोई एक बंदा ज्वाइन हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ से ज्वाइन हुए, लेकिन वो जो है ना वो कभी ना मतलब हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ कंपनी से उठा लेता है बिना किसी से किसी की परमिशन के, मतलब चोरी कर लेता है। ठीक है, तो मैंने उसे एक दिन टोक लिया, किसी की बोल दिया कि ये क्यों कर रहे हो तुम। तो बोलता कि अपने काम से काम रख और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना मतलब मेरे को पता है तो किस रास्ते से जाती है, किसी दिन तेरे को मार वार दूंगा, ऐसे बोल रहा था मेरे को। तो मैं डर गई उससे, तो मैंने ना मैं सर को बता सकती हूँ, अपने बॉस को भी नहीं बता सकती क्योंकि उनको बता दिया, क्योंकि उनकी जान पहचान है ना। और उसको मतलब झूठ क्या करूँ, फिर मैं फंस गई हूँ बीच में। तो एक बारी फिर से उसने ना मेरे को रास्ते से, मैं जा रही थी स्कूटी से, तो उसने मेरे को फिर से मतलब रास्ते में पकड़ के बोला, मैंने उसे देख लिया था चोरी करते, तो मैंने बोला मैं सर से बता दूंगी, इस बारे में तेरे को वार्निंग दे रही हूँ। तो मेरे को जाते जाते उसने मुझे बोला कि देख ले तू, ज़्यादा मेरे बीच में आने की कोशिश मत कर वरना मैं तेरे को यहीं पर जान से मार दूंगा, अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तेरे को। ठीक है, तो अब मैं बीच में फंस चुकी हूँ, तो मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया कि वो थोड़ा इस मामले को हैंडल करें, और मैं बता नहीं सकती वरना नहीं, कोई नहीं, हम आपकी फुल हेल्प करेंगे। तो गाइज, आपने इनकी प्रॉब्लम सुनी ली, तो आपको उनका नंबर वगैरह है जैसे? हाँ, नंबर है मेरे, उस कॉल करना है उसे। हाँ, उनके कॉल करके बर बुला लो एक बार कैसे भी करके यहाँ पे। हेलो मिस्टर विवेक। हाँ जी, हाँ, मेरे को पहचान लिया आपने, आपकी कंपनी के HR? पहचान लिया। हाँ, आपसे मिलना था मुझे, आप मिल सकते हैं? कहाँ? मैं तो अभी मीटिंग में हूँ, कहाँ हो आप? मैं यहाँ पे जो हमारे घर के पास जो मतलब वहाँ पे जो कंपनी के पीछे वाला जो वो है ना पार्क। अच्छा, हाँ वहाँ पे हूँ, आप मिल सकते हो? जी, मैं अभी वहीं लंच करके मैं थोड़ा वॉक पे ही निकला था, मैं आता हूँ अभी। हाँ जी, थोड़ा जल्दी आ जाओ प्लीज। तो गाइज, अभी उनसे बात हो चुकी है, वो बोल रहा था कि लंच वगैरह करके आ रहे हैं, तो अभी करते हैं उनका वेट। तो भाई, जब तक वो आता है तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ सब्सक्राइब को बटन आ रहा होगा, किसी के कोई पैसे वगैरह नहीं लगने वाले हैं। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तो वीडियो को स्किप मत करना, बनाए रखना, ठीक है? तो आप ये फ़ोन ले लो, मतलब यहाँ पर सब आगे कैमरा लगा हुआ है, तो कैसे भी करके निकलवा देना, या मतलब उसने चोरी वोरी की आपको धमकी दे रहा है, इसमें सब रिकॉर्ड होता रहेगा, ठीक है? A few moments later. हाँ बता, मुझे क्यों बुलाया तूने? यार तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना बता? मुझे यार तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, क्यों नहीं समझते मेरी मजबूरी को? अरे सुन, तेरी मजबूरी गई तेरे घर आगे जा, मैं नहीं जानता, मैं तेरे को जितना बता रहा हूँ उतना याद रख, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ और मुझे वो करने दे। यार तुम मेरी लाइफ मत इंटरफेयर कर यार, तो मेरी जॉब जाएगी उसका क्या? जॉब जाएगी और साथ में तू भी जाएगी, मैंने तुझे बता रहा है। यार तू क्यों कर रहे हो ऐसा, ये मेरी मजबूरी मुझे सिखाएगी तू? यार मैंने डिटेल्स देनी होती है, मुझे सिखाएगी क्या फोन कैसे करना चाहिए, क्या कैसा होगा? मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ ना। काहे की मजबूरी, हम आप पढ़ाने काम करें, तू अपने मालिक से कहते जा, तुम्हारी सैलरी मिलती तो है उससे देखो ना। सैलरी में क्या होगा, सैलरी में कुछ नहीं होता हमारा। सैलरी समझो ना मेरी बात को, यार मैं क्या करूँ, मेरी पेरेंट्स का इकलौता सहारा हूँ मैं। कुछ भी हो, लोता हो छोटा हो, यार प्लीज प्लीज, अरे तू समझाएगी क्या मुझे पीछे? मेरे को नहीं पता, समझ रहे हो यार, प्लीज नहीं पता, इसी मारे बुलाएगा मेरा टाइम खराब करने के लिए। यार तो मैं क्या करूँ फिर, ऑप्शन नहीं है मेरे पास कुछ भी, क्या करूँ मैं? मैंने सोचा बात कर लूंगी ढंग से, तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो यार। बात ऐसे तो नहीं होती है, तो कैसे होती है यार, समझो ना यार तुम ऐसे। मेरे को नहीं पता, मेरे को कोई मतलब नहीं है बात का। यार इतनी बार देख लिया मैं, डिटेल्स क्या करूँ मैं, डिटेल्स में कैसे करूँगी मैं कुछ भी कर, मुझे नहीं पता, बात का।
मैं कैसे मैनेज करूं ये बताओ तुम मेरे को पहले। कैसे भी कर तू, मेरे को नहीं पता कुछ। ओह क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं? बता ना क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हैं? सॉरी नहीं बता देना पीछे पहले है कौन तू? वो तो ना मेरा पार्ट जो कौन मैं बदमाश नहीं है, दोस्त है मेरा। मैं इसका दोस्त हूं ठीक है ना? तो दोस्त है तो दोस्ती निभा ले जा। अगर दोस्ती में निभा रखी है क्यों परेशान कर रहे तू? ये बात बता देना मैं कभी भी बनाऊं तुझे। अरे एक मार दिया ना जी निकल जगत रहा। अरे कुछ कभी तुझे इसमें यहीं से निकाल दूं तू कि मैं ना काट देगा ठीक से। अरे यार अटके कैसे? क्यों आप भाई कर रहे तू? प्लीज प्लीज लड़ो मतलब मैं आराम से कह रही तू आराम से ना मान लगा है। हां मैं मंत्री हूं तू आ था का। हां छोड़ ना आगे की बता। हां अरे मैंनु कह रहा तेरा इतना मार दूंगा। अरे लड़ो मत मार देगा। मैं चावे आई थी तो मैं चावे आई थी तुम्हारे गलो पकड़ा मैंने मारा मैं तेरी मार भी दूंगा। ओ कैमरा लगा रखा सामने तेरे खातिर ही। हां तेरे लिए लगा रखा है क्यों छोड़ दिया? अच्छा कलाकारी ये थी क्यों छोड़ दिया? मेरे पास ऑप्शन नहीं छोड़ा ना तुमने? नहीं मारा ना कलाकारी ये थी मारे तो ऑप्शन नहीं छोड़ा है तुमने कुछ भी काय भी इतना मारूंगा तेरे मैम में खो रहा हूं। अच्छा हां ये कलाकारी है ना? और वरे बैठ। हां बता बैठ जा। मतलब तू मारा गए छोरी के या छोरी तू मारेगा वो तो तने बेरा पाइट से गाड़ी चल थाना में चल मेरे घर। अरे अरे बैठा मत ना थाना में चल तो जा। हैं क्या बोल तो सुन। हां सॉरी भाई मेरे तेरे से कोई मैटर नहीं था। तो क्या का मैटर है? तो तू काहे को आ रहा है बीच में मारे? मैं एक दोस्त हूं तो तने बेरा पाइट जा। अच्छा मैं YouTube पे वीडियो बनाया करूं ठीक से? और यह वीडियो YouTube पर जाओगी थाना में जाओगी ठीक से? सॉरी भाई सुन सुन तो बैठ तो बैठ ना ना बैठ रखे। अरे बैठ तू बोले ना। अरे बात तो सुन तू ऊपर नुई बोल दे पहले नहीं तू बैठ जा रहा हूं तो बता क्या बात बता। हां बता भाई बहुत बड़ी गलती हुई सॉरी आज के बाद नहीं होगा ऐसा। क्यों ना होगा? जान तो मार लेना। ना ना हाथ लगा के दिखा दे ना सड़क एक मार दूंगा तो सोच रहा हूं सॉरी भाई। अरे अगर जो जो सामान लेगा ना कंपनी मात है जो है ना वो रिफंड रिफंड करना सारा दे दिए। ठीक है ठीक है बड़े भाई ठीक है। और बड़े बड़े का रखे हैं बड़े छोटे हाथ दूर कर ठीक है पहले समझा दी है घना मार दूंगा और आज के बाद एक इसकी मजबूरी है जो ना तेरे जान के समझे जो तो इन्हें मजबूरन करने लग रहा है अपना माँ बाप की एक है जब कमा खुआ है थोड़ा शर्म कर लिया कर कहते अपनी इज्जत की कमा लिया करे शर्म ना आंदी साले ने मैंने चोरी का पैसा काम करे। अरे खड़े हो रात निकल जा। अरे सुने आज के बाद क्या मत दिए पहले समझा दी तेरे ना थाना में दूंगा यार लास्ट बार माफ कर रहे हूँ रीब का निकम कहना मैं हूँ। अरे निकल जाओ बार आते जाओ थैंक यू। अरे कोई नहीं है। तो गाइस वो लड़के के हमने वीडियो बना लिए हैं तो अब की बार कोई वो एक्शन उठाता है अगर आपसे कुछ कहता है तो मैं हूँ ठीक है इसी। अरे ये वीडियो मैं यूट्यूब पर तो डालूंगा ठीक है okay. वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अब आपसे कुछ कहेगा ही नहीं आगे कुछ कहता है ना तो इस हिसाब से अगर कंपनी में भी आपको कुछ नज़र उठाकर देखता है ना तो भी मैं उसके खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। एक बार मौका सब वो देना चाहिए ठीक है इस बारे में। और आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर गया है हाँ। वो आपके लौटा देगा ठीक है? ठीक है नहीं लौटाएगा तो फिर भी मैं देख लूँगा ठीक है। तो भाई हमने बना लिया सोलर की एक वीडियो तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर करके बताना। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी है तो वहाँ पे जाके फॉलो कर ले और वहाँ पे जाके बात करते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत अच्छे। जय जवान जय किसान।